दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने फ्री फायर को ओपन कर रहे हैं और आपका फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, इस तरह से 95% पर या फिर 99% पर इस तरह से लोडिंग पर अटक रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों की प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फ्री फायर यहाँ पर ओपन नहीं होता है, 95% या फिर 99% पर यहाँ पर इस तरह से अटक जाता है। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% यहाँ पर सोल्व होने वाली है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी फ्री फायर में यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ्री फायर को ओपन करने पर 95% पर या फिर 99% पर जाकर आपका फ्री फायर अटक जाता है, वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जियो की यूज कर रहे हैं, खासतौर से जियो 5G आप यूज कर रहे हैं, तो 5G वाले यूजर्स को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा एयरटेल और वीआई जो यूज कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो जियो 5G वालों को देखने को मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे आपके फोन की कुछ सेटिंग बताऊंगा, इन सेटिंग को आपको इसी तरह से फॉलो करना है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी और 95% या 99% पर आपका फ्री फायर जो रुका हुआ है, लोडिंग इश्यू आ रहा है, ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये दोस्तों की आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग में जाना है। अब यहाँ से अगर आप जिस सिम से इंटरनेट चलाते हैं वो सिम वन में है तो सिम वन को ओपन कीजिए, और स्लॉट टू में है तो स्लॉट टू को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टर्न ऑन और ऑफ का एक बटन मिलेगा, तो कुछ देर के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपनी सिम को यहाँ से इस तरह से ऑफ कर देना है। इनको ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे 10 से 15 सेकंड वेट करना है और फिर से आपको अपनी सिम को यहाँ पे ऑन कर देना है। पहली सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको एक काम करना है कि आपको अपने कंट्रोल सेंटर में जाना है और आपका ये डाटा है इस डाटा को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। यहाँ पर भी आपको 5 से 10 सेकंड वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से अपने डाटा को आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद में भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो यहाँ पे आपको जो एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिखता है इसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है, 5 से 10 सेकंड वेट करना और फिर से आपको इसको डिसेबल कर देना है। तो ये तो आपकी नेटवर्क की कुछ सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद में आपको एक सेटिंग यहाँ पे और कर लेना है। यहाँ पे आपको जो एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलता है इसमें जाएंगे, और इसमें जाने के बाद नीचे बॉटम पे आपको एक तो न्यू APN का ऑप्शन मिलता है और सेकेंड आपको रीसेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे रीसेट वाले बटन पर टैप करना है। जैसे आप रीसेट वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपके एक्सेस पॉइंट की जो इंटरनेट सेटिंग होती है वो आपकी बिल्कुल रीसेट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, और अगर इसकी वजह से आपको कोई इश्यू आ रहा होगा तो आपका सोल्व हो जाएगा और आपका फ्री फायर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस इतना सा सेटअप आपको कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर कुछ दोस्तों की प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे सोल्व नहीं होती है, इसको सेटअप करने के बाद भी आपका फ्री फायर 95% या फिर 99% से आगे नहीं बढ़ रहा है, वही लोडिंग इश्यू आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको लास्ट में एक काम करना है कि आपको इसी ऑप्शन में आना है, यानी कि आपको आना है यहाँ पर मोबाइल एंड नेटवर्क वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको अपनी सिम को ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है आपको इसमें जाना है। यहाँ पर अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है और आपने 5G को यहाँ पे सेट कर रखा है तो 5G पे से हटाकर उसको आपको 4G या फिर LTE जो भी आपके ऑप्शन है 4G वाला उस पर सेट कर लेना है। ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो जियो 5G के साथ ही देखने को मिल रही है, तो आपको करना है क्या कि 5G बैंड पे से हटाकर फ्री फायर खेलते टाइम पे आपको इसको 4G बैंड पे डाल देना, यानी कि LTE या 4G जिस नाम से भी आपके में बैंड है उस पर आपको डाल देना, 5G से इसको हटा देना है, और उसके बाद आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना, यानी कि बंद करके चालू कर लेना है। और उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि जब आप अपने फ्री फायर को ओपन करेंगे तो आपका फ्री फायर जो 95% या फिर 99% पर लोडिंग ले रहा था, यानी कि लोडिंग पे अटका हुआ था, पूरा ओपन नहीं हो रहा था, वो आपका यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा और अपने फ्री फायर को खेल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फ्री फायर यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 99% पे बिल्कुल भी नहीं अटका, यहाँ पे मेरा फ्री फायर ओपन हो चुका है और इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी फ्री फायर में आपको यही प्रॉब्लम आ रही है कि 95% पर जाकर या फिर 99% पर लोडिंग की समस्या आ रही है, आपका फ्री फायर अटक जाता है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।